हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज क्या कहता है ये सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि शोबोस की मदर की जो प्रेजेंट है वो शोबो की एज से गुना है उससे छः गुना है शोबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से पाँच साल के बाद शोबो की जो एज है इट विल बी वन थर्ड ऑफ हीज मदर प्रेजेंट एज उसकी मदर्स की जो प्रेजेंट एज है उससे वन थर्ड हो जाएगी सो वॉट आर दर एज आपको उसकी दोनों की प्रेजेंट फाइंड करनी है ठीक है ओके okay. सो so, हमें ना तो मदर की एज मालूम है ना तो शोबो की एज मालूम है तो हम पहले क्या करेंगे शोबो उसकी एज को अज्यूम कर लेंगे लेटस अज्यूम शोबोस एज इज एक्स तो सपोज शोबोज प्रेजेंट एज इज एक्स इयर्स चलो शोबोस की प्रेजेंट एज आपने क्या अज्यूम कर ली एक्स ईयर्स एज्यूम कर ली भाई ओके अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज शोबोस की प्रेजेंट एज से छः गुना है देर फोर चलो शोबोस की प्रेजेंट एज क्या है एक्स तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी सिक्स एक्स हो जाएगी देर फोर देर फोर शोबोस मदरस प्रेजेंटेज इज सिक्स एक्स ईयर्स क्लियर ओके नाउ आगे पढ़ो शोबोस एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से पाँच साल के बाद ज विल बी विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदरस प्रेजेंट एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज का वन थर्ड हो जाएगा शोबो की एज फाइव ईयर्स के बाद ओके सो क्या लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो शोबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ चलो अभी प्रेजेंट एज कितनी है शोबो की एक्स तो पांच साल के बाद कितनी हो जाएगी भाई एक्स प्लस फाइव तो so, x प्लस फाइव दिस इज द शोबोज एज आफ्टर फाइव ईयर्स इट विल बी, विल बी यानी क्या लगाएंगे हम इज इक्वल टू वन थर्ड तो वन अपॉन थ्री ऑफ हीज मदर्स प्रेजेंट प्रेजेंटेज चलो शोबो की मदर की प्रेजेंट प्रेजेंटेज क्या है सिक्स एक्स तो ऑफ सिक्स एक्स क्लियर ओके देयर फॉर एक्स प्लस फाइव एज इट इज इक्वल टू चलो यहाँ पे कटिंग करेंगे थ्री टू जिक्स तो क्या बचा इधर टू एक्स अब ये तो क्या बन गया इक्वेशन बन गया भाई अब क्या करेंगे वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको एक तरफ ले जाएंगे और बाकी के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ये एक्स इस तरफ जाएगा क्लियर है तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ फाइव इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स देर चलो टू एक्स में से फाइव इज इक्वल टू टू एक्स में से एक्स निकालो तो कितने बचेंगे भाई एक्स देर फॉर एक्स इक्वल्स टू फाइव क्लियर चलो x इक्वल्स टू फाइव मिल गया आपने x किसको अज्यूम किया था शोबोज प्रेजेंट एज तो आपको देर फॉर शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था आपने x तो वो तो आपको क्या मिल गई फाइव ईयर्स क्लियर तो ये शोबो की एज तो आपको क्या मिल गई फाइव ईयर्स अब आपको किसकी एज मेजर करनी है फाइंड करनी है उसकी मदर की एज सो so, क्या लिखेंगे देर फॉर शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या है उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज सिक्स एक्स ईयर्स है देर फॉर सिक्स मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फाइव तो सिक्स फाइव आर थर्टी ईयर्स क्लियर तो शोबो की प्रेजेंटेज आपको फाइव मिल गई और उसकी मदर्स की एज क्या मिल गई थर्टी ईयर्स क्लियर है इक्वेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स देर इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहली विलेज एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो इलेवन जेम फोर चलो लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दी है मैंने आपको प्रीवियस सम्स के अंदर भी बताया था एक्सरसाइज टू पॉइंट टू के अंदर कि जब आपको कोई भी डायमेंशन रेशियो के फॉर्म में दे कोई भी नंबर रेशियोज के फॉर्म में दे तो हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ ठीक है नाउ एट द रेट ऑफ हंड्रेड रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू फेंस द प्लॉट वो प्लॉट के आजू बाजू एक फेंस करनी है एक मीटर का हंड्रेड रुपीज़ है टोटल खर्चा कितना हो रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड राइट अब फेंस करनी हो तो मतलब बाउंड्री हुई बाउंड्री का मतलब क्या हुआ पैरीमीटर तो आपको ये क्वेश्चन में पैरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी ठीक है ओके वॉट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है चलो तो फिगर ड्रॉ करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा चलो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल इसके अंदर स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है स्कूल बनानी है चलो लेंथ और ब्रेथ आपको रेशियो फॉर्म में दिया है इलेवन जेम फोर तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी इलेवन एक्स हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी फोर एक्स हो जाएगी भाई क्लियर है तो सबसे पहले अज्यूम कर लेना है आपको कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू इलेवन एक्स हो जाएगा क्लियर एंड ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा क्लियर है ओके okay. अब यहां पे आपको क्या बोला है कि फेंस करना है उसके आजू बाजू तो फेंस करना है मतलब बाउंड्री हुई तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी चलो तो क्या लिखेंगे इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट चलो वॉट इज द इक्वेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ टू का टू ब्रैकेट लेंथ कितनी है आपके पास एलेवन एक्स है और ब्रेथ कितनी है फोर एक्स है ओके okay. चलो टू का टू एलेवन प्लस फोर यानी फिफ्टीन एक्स चलो टू फिफ्टीन जा दैट इज़ थर्टी एक्स ये इतने मीटर आपको क्या मिली पैरीमीटर मिली राइट right? अब एक मीटर का खर्चा कितना हो रहा है हंड्रेड रुपीज़ तो थर्टी एक्स मीटर का कितना तो वो क्या मिल जाएगा आपका टोटल अमाउंट मिल जाएगी और वो टोटल अमाउंट आपकी कितनी दी है सेवेंटी फाइव थाउजेंड चलो तो इधर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वन मीटर इक्वल्स टू कितने रुपीस दी है भाई हंड्रेड रुपीस सॉरी हंड्रेड रुपीस क्लियर देर फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ कितने मीटर फाइंड करना है थर्टी एक्स मीटर ज इक्वल टू हाउ मच तो ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्टी एक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड तो दट इज थ्री थाउजेंड एक्स रुपीज ये आपको क्या मिल गया टोटल अमाउंट मिल गई जो कि आपको टोटल अमाउंट कितनी दी है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे क्लियर है राइट देर फॉर क्या मिलेगा देर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू आपको कितना दिया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज Therefore, चलो टोटल कॉस्ट कितने मिली आपको यहां पे आपको यहां पे कितना मिला थ्री थाउजेंड एक्स तो थ्री थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड चलो ये तो इक्वेशन बन गया थ्री थाउजेंड और एक्स एक दूसरे के साथ किस में है मल्टीप्लीकेशन में है तो थ्री थाउजेंड कहाँ जाएगा डिवाइड के अंदर देर फॉर एक्स इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री थाउजेंड ज़ीरो ज़ीरो कट देर फॉर एक्स इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई थ्री देर फॉर एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव चलो ये तो किसकी वैल्यू मिल गई आपको एक्स की आपको क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करने को पूछा है वाट आर दी डायमेंशन ऑफ द प्लॉट सो देर फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या था आपके पास इलेवन एक्स था चलो तो इलेवन मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स ट्वेंटी फाइव चलो इलेवन और ट्वेंटी फाइव कोई भी नंबर को ट्वेंटी फाइव सॉरी इलेवन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही ईजी सी ट्रिक है क्या करोगे आप जो नंबर दिया है वो लिख देना है टू फाइव राइट right? और इन दोनों का प्लस कितना होता है टू प्लस फाइव सेवन दैट इज़ टू सेवेंटी फाइव मीटर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सिंपली ट्वेंटी फाइव इंटू एलेवन करके आंसर लिख सकते हो क्या करेंगे इलेवन के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कोई भी नंबर को जो नंबर है पहला डिजिट लिख देना है लास्ट डिजिट लिख देना है और इन दोनों का प्लस करके लिखना है ये सिर्फ़ इसके लिए एप्लीकेबल होगी इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है सेवन अगर टेन हो रहा है इलेवन हो रहा है तो आगे कैरी बढ़ानी है क्लियर ओके okay. तो लेंथ तो मिल गई चलो व्हाट इज़ योर ब्रेथ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू चलो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ कितनी थी क्या जूम की थी आपने फोर एक्स चलो तो फोर एक्स इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर राइट So, ये आपका लेंथ हो गया और ये आपकी ब्रेथ हो गई क्लियर है यहाँ पे क्या दिया था कि एक विलेज है जिसमें एक प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व किया गया था क्लियर है चलो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ रेशियोज़ के अंदर दी थी समझना तो रेशियोज़ में दिया हो तो हम क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं तो लेंथ क्या हो गई इलेवन और ब्रेथ क्या हो गई फोर क्लियर है ओके okay. अभी उसके आजू बाजू क्या करना है फेंस करना है फेंस मतलब बाउंड्री हो गई तो बाउंड्री का मतलब होता है पेरे तो आपको उसके क्या फाइंड करनी पड़ेगी पेरे कितना मिला आपको पैरे मीटर थर्टी एक्स ओके चलो एक मीटर के हंड्रेड रुपीज़ है तो थर्टी एक्स मीटर के कितने तो आपको क्या मिल गया थ्री थाउजेंड एक्स रुपीज़ ये टोटल रुपीज़ खर्चा हुआ टोटल खर्चा कितना दिया आपको सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन दोनों को हम क्या कर देंगे कंपेयर दर फॉर थ्री थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसको सिंपलीफाई करो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी भाई अब ये एक्स की वैल्यू आप लेंथ और ब्रेथ के अंदर रख दो तो आपको लेंथ और ब्रेथ का आंसर मिल जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स समझ में आ गया होगा